नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई आज की चार प्रमुख ताज़ा अपडेटों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली है। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप अभी से लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और यदि आपका कोई डाउट है या फिर कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न जरूर लिखें, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जो इसका नंबर आपको वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आइए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली खबर यहाँ पर हमारे उन सभी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो कि BSNL और MTNL पर डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं। उनको भी अब यहाँ पर बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 1 सितंबर 2008 से MACP का लाभ देने के संबंध में दूरसंचार विभाग की तरफ से 30 अप्रैल 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। तो अब यहाँ पर बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ऐसे सभी केंद्रीय कर्मचारी जो कि BSNL और MTNL में डेपुटेशन पर हैं, उन्हें भी MACP का लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वन टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम और बाईएनुअल कैडर रिव्यू स्कीम थी, उसे यहाँ पर 1 सितंबर 2008 से ही विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर उन्हें भी बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 1 सितंबर 2008 से फिलहाल MACP का लाभ दिया गया है। लेकिन कर्मचारियों की ये मांग है कि MACP का लाभ उन्हें 1 जनवरी 2006 से दिया जाए। इसके बारे में कार्रवाई की जा रही है, जल्दी ही इसके बारे में DOPT की तरफ से भी आदेश जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर अगली खबर, ये खबर हमारे लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी खबर है। तो यहाँ पर केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने सभी बैंक के जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया है कि अब से आगे जो पेंशन पासबुक है या फिर पेंशन अकाउंट की जो पासबुक है, उसमें सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो नंबर है उसे अनिवार्य रूप से लिखा जाए। अब से पहले बैंकें ऐसा नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से CPO ने सभी संबंधित बैंक अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर यानी PPO नंबर उनकी बैंक पासबुक में अनिवार्य रूप से लिखा जाए। तो ये पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर कि अब उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर उन्हें उनकी पासबुक में ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में अगली खबर, ये खबर हमारे लाखों जवानों के लिए काफ़ी फायदेमंद खबर है, और ये खबर जुड़ी हुई है उनको मिलने वाले हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस के बारे में। तो इस आदेश के अनुसार यहाँ पर जवानों को हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है वो अगले 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जवानों को यहाँ पर 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस है उसका भुगतान भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये जवानों के लिए काफ़ी अच्छी खबर। इस वीडियो की अंतिम खबर हमारे उन सभी दोस्तों के लिए है जो कि RPF और RPSF में ड्यूटी कर रहे हैं और जिनकी पोस्टिंग जम्मू और श्रीनगर सेक्टर में है। उन सभी जवानों के लिए अच्छी खबर ये है कि यदि वो ऑफिशियल ड्यूटी से आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं जम्मू से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से जम्मू, उन्हें यहाँ पर 1 साल और बाई एयर यात्रा करने की सुविधा है उसे बढ़ा दिया गया है। तो अब यहाँ पर RPF और RPSF के जवान जिनकी पोस्टिंग जम्मू और श्रीनगर सेक्टर में है, वो 31 मार्च 2020 तक अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान बाई एयर यात्रा कर सकते हैं। चाहे उन्हें यात्रा यानी बाई एयर यात्रा करने का उनका इंटाइटलमेंट है या नहीं है, इन सबको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पर जम्मू श्रीनगर सेक्टर में पोस्टेड RPF और RPSF के जो जवान हैं वो ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान बाई एयर जर्नी कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर इन जवानों के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर कि अब यदि उनको 1 साल के लिए और यहाँ पर एयर जो ट्रेवल है उसकी सुविधा यहाँ पर दे दी गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे हर एक ज़रूरतमंद तक ये खबर पहुँच सके और वो भी इन लेटेस्ट अपडेटों के बारे में जान सकें। और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। धन्यवाद।